मुजफ्फरपुर में उसी चतुर्भुज स्थान पर मौजूद है जिसको लोग बदनाम गलियों से जानता है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको बयान करती होंगी। हम यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर में गायब हुई है, क्या सही मायने में यही है? यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ कोई पत्रकार इस तरीके से पत्रकारिता नहीं किया है, लेकिन हमने कोशिश किया है आपके लिए। देखिए और इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन थोड़ा अगर आपका परमिशन होगा तो आप लोग इसलिए कि हम लोग घर गृहस्थ हैं, यहाँ पर आए हैं थोड़ा मजबूरी में सर, इसलिए हम लोग नहीं गए। चतुर्भुज स्थान में कहा जा रहा है कि लड़की को बेच दिया गया, सही है? बेचता तो फिर बरामद नहीं होता। तो यहाँ ऐसा काम होता है? ऐसा काम हम लोग का आज तक से नहीं देखा है। नहीं देखे हैं? कभी रेड मारा है पुलिस? बरामद रेड होते रहता है। लड़की बरामद करता है? लड़की के बारे में यहाँ क्या होता? मुजरा होता है, काम होता है। मैडम, उस सृष्टि सिंह जो गायब हुई उसके संबंध में आप लोग क्या जानती हैं? जो बोला जा रहा है पप्पू यादव जी के कि इसी मोहल्ले में बेचा गया, सही है? अगर इस मोहल्ले में रहती तो आपको पता चलता ना। वो इसीलिए हम लोग आपको पूछने आए हैं, यहाँ ऐसा काम नहीं होता है, लोग ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं गलियों को। आप लोग तो यहीं की होंगी, बाहर से कोई लड़की तो नहीं आती है ऐसा कुछ? नहीं। आप मुजफ्फरपुर की वो लड़की गायब हुई थी उसी के संदर्भ में यहाँ खोजबीन करने हम और हमारे पत्रकार बंधु आए हैं। और अभी आप देख सकते हैं रानी बेगम यहाँ की वार्ड पार्षद है, वहाँ मौजूद है। और देखिए, खोजने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं और आगे का वीडियो हम लोग बताते हैं क्या।